ने किए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिव जी विराजमान है। श्रावण मास पुरुषोत्तम मास में वह सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, सब दुख दूर हो। कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी से पड़ोस के ब्राह्मण पत्नी से अनबन हो गई थी, तो ब्राह्मणों ने गणेश जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था। तब गणेश जी ने गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के यहाँ आए और गौतम ऋषि ने डंडा गाय के लगाया, जो कि गाय की मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मणों ने गो हत्या के लिए 1 करोड़ शिवलिंग को स्नान कराने व ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करने का दंड दिया। तब गौतम ऋषि ने यह काम पूरा कर शिव जी की तपस्या की तो शिव जी प्रकट हो गए और ब्राह्मणों के छल के लिए दंड देने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाओ और सबके दुख दूर करो। तब से शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में नासिक में अभी तक स्थापित है। AP 100 टीवी लाइव संवाददाता राम विलास वैष्णव की रिपोर्ट। भक्त आए हैं, बहुत भारी भीड़ पड़ रही है और बहुत ही अच्छा दर्शन है, बहुत रमणीय स्थल है और सबको आराम से दर्शन हो रहे हैं।